देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और आइए विस्तार से आज की तमाम बड़ी सुर्खियों पर नजर डालते हैं। विद्यालय छोड़ने पर नम हुई बच्चों की आंखें। जी हाँ, प्रयागराज हंडिया तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा बगहा प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की विदाई का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें विद्यालय के क्लास 4 के बच्चे क्लास 5 के बच्चों का विदाई किए। इस मौके पर विद्यालय प्रधान अध्यापिका पुष्पलता ने कहा कि हमारे विद्यालय से जो बच्चे जा रहे हैं, हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बच्चों को पेन गिफ्ट देकर उन्हें विद्यालय से विदा किया गया। मौके पर प्रियंका शुक्ला, मनु सिंह सहित सभी स्टाफ मौजूद रहे। प्रयागराज से हमारे संवाददाता प्रदीप मिश्रा की है। बच्चे साल 5 साल तो हम लोग साथ में रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो जाते समय थोड़ा सा एक छोटा मोटा प्रोग्राम कर दिया जाता है, जिससे इन लोगों को भी अच्छा लगे और हम लोगों को भी अच्छा लगता है। थोड़ा सा साथ छूटता है तो थोड़ा सा हो जाता है एक दूसरे से। हमारे स्कूल में करते हैं हम लोग मिल के, सभी लोग, पूरा स्टाफ, पूरे बच्चे मिल के इसको करते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ से अच्छे से जाएं, स्कूल का नाम, अपने गांव का नाम रोशन करें, साथ साथ हम लोगों का भी नाम हो कि हम लोगों ने क्या शिक्षा दी, क्या सिखाया, क्या पढ़ाया। बस इसी आशीर्वाद के साथ इन लोगों को हम लोग विदा करते हैं यहाँ से। जी, खाने की व्यवस्था जो है, जो पूरी सब्जी बच्चों को आज खिलाई गई, ये प्रधान जी के द्वारा था और मिठाई मेरे तरफ से था। आपका नाम? पुष्पलता। मेरे बच्चे सारी मेहनत किए हैं, सब टाट पट्टी लगाए, बिछाए, सारे चेयर्स लगाए, पानी लाए, सबका टीकाकरण किए, सबको खाना खिलाए, दिए ला करके। अच्छे चार के बच्चे भाई बहनों को विदा कर रहे हैं आज, इसलिए थोड़ा दुखी भी हैं। काफी बच्चों को देखिए, आंखों मेरे आंसू भी है, खा नहीं रहे हैं। सुमन यादव। कौन सा विद्यालय है आपका? प्राथमिक विद्यालय। आप किस क्लास में? फोर्थ में। आज आपके विद्यालय में जो विदाई का कार्यक्रम चल रहा है, आपके जो साथ में पढ़ने वाले आपके बड़े भाई या बहन हैं, आज वो आपके विद्यालय को छोड़ के जा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? दुखी लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है। आप किस क्लास में? फाइव। तो आपका भी तो विदाई है ना? हाँ। तो आप अपने जो छोटे भाइयों को छोड़ के विद्यालय में जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको विद्यालय में इतने दिनों से जो शिक्षा मिली हुई है, हम उम्मीद करेंगे कि आप उसका सही उपयोग करेंगे जिस विद्यालय में आगे जाएंगे। आपको कैसा लग रहा है आज विद्यालय छोड़ने में? बहुत बेकार लग रहा है। कैसा महसूस हो रहा है आपको? किस लिए दुखी हैं आप? क्या कारण है इसका? क्योंकि आज हम अपना विद्यालय छोड़कर जा रहे हैं। और कोई कारण? विशाल रूप से हुआ निरंकारी संत समागम। जी हाँ, कुशीनगर में गोपालगढ़ स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन कस्या में विशाल रूप में निरंकारी संत समागम का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता महात्मा श्री ओपी निरंकारी जी, उप मुख्य संचालक संत निरंकारी सेवा दल दिल्ली द्वारा की गई। इस अवसर पर संत निरंकारी मंडल कुशीनगर के संयोजक श्री कमलेश मणि त्रिपाठी ने सभी आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सेवा दल संचालक अनिल राय, किरण वंदना आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन राकेश मणि त्रिपाठी जी ने किया। कुशीनगर से हमारे संवाददाता मोहन वर्मा की रिपोर्ट। जी सर जी, पहले अपना परिचय बताएं। मेरा नाम ओपी निरंकारी है जी, और मैं दिल्ली से आया हूँ। तू कहाँ से आया? हमारा दिल्ली से। तो आप केवल निरंकारी क्यों मानते हैं सर? क्योंकि मैं सतगुरु की कृपा से मेरे को निरंकार का ज्ञान हुआ है, निरंकार मेरे अंगसंग है, इसलिए मैं अपने आप को निरंकारी कहता हूँ। तो आपका मिशन कितना तक फैल गया है? मिशन पूरी दुनिया में फैल गया है, पूरे संसार में फैल गया है। आपका मिशन राजनीति भी करती है सर? नहीं, राजनीति वोट का नहीं, राजनीति नहीं करती। ये तो टोटली आध्यात्मिक मिशन है, एक विचारधारा है, ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई संस्था, सिर्फ विचारधारा है, ठीक है, ये कोई और मजहबों की तरह मजहब नहीं है, ठीक है, ये एक क्रांति है, ये इंसान को प्रभु परमात्मा के साथ जोड़ने वाली विचारधारा है, इंसान को जाति, धर्म,
के भेदभाव से, काले गोरे के भेदभाव से, इन सब भेदभावों से ऊपर उठाकर जो प्रभु परमात्मा सबका पिता है, ये मानव मात्र को अपने पिता के साथ जोड़ने वाला एक मिशन है जी सर। तो बाबा जी के परमलीन हो जाने पर आपका मिशन कुछ असर पड़ा है? नहीं, क्योंकि सतगुरु हमेशा मौजूद रहता है जी। ये तो निरंकार आप सतगुरु होता है जी। ये तो शरीर आते हैं चले जाते हैं। कोई बाबा जी के परमलीन हो जाने पर कुछ असर नहीं पड़ा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है जी, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जोरदार अगवानी जहां करहल मैनपुरी भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष फायर ब्रांड नेता विनय कटियार पहुंचे करहल। करहल में मीडिया से बात करते समय कांग्रेस नेता सेम पित्रोदा और राम गोपाल यादव के बयानों की आलोचना किए और कहे कि ऐसे बयानों से सेना का मनोबल गिरता है। वहीं सवालों का जवाब देते हुए भाजपा नेता विनय कटियार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की पहले से एक सीट ज्यादा ही जीतेगी भाजपा। मैनपुरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी के नाम पर उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि जल्द मैनपुरी के प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया जाएगा। हरदोई से हमारे संवाददाता राजकिशोर की रिपोर्ट। मैनपुरी लोकसभा सीट से जो है कौन प्रत्याशी हो सकता है नेताजी के सामने? ये तो हमारी इलेक्शन कमेटी है दिल्ली की, पार्लियामेंट्री बोर्ड है जी, वही तय करेगा। अच्छा सर, जिस तरीके से कांग्रेसी नेता सेम पित्रोदा और सपा नेता राम गोपाल यादव ने जिस तरीके का विवादित बयान दिया, उस पर आपकी क्या कहना चाह रहे हैं? ये सब पागल हो गए हैं जी, इससे सेना का मनोबल गिरता है, डाउन होता है जी। और इस प्रकार के बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। पुलवामा की घटना के बाद जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को रोका है, वो अपने आप में अद्भुत था और सेना का स्वरूप था। सर, यूपी में कितनी सीट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जितनी थी उससे एक ज्यादा। गांव की जर्जर सड़कों को लेकर ग्रामवासियों में है आक्रोश। वाराणसी जनपद के मिश्रपुरा गांव की जर्जर सड़कों को लेकर ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं पोस्टर व बैनर लेकर जमकर थाना प्रदर्शन किया। ग्रामीण पक्की सड़क के लिए विभाग के अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक से फरियाद लगा चुके हैं, लेकिन समस्या का अब तक हल नहीं हो सका है। शिवपुर विधानसभा क्षेत्र चिरई गांव के मिश्रपुरा में सड़क न बनने के कारण गांव के लोगों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। मुख्य मार्ग से मिश्रपुरा गांव की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। वाराणसी से हमारे संवाददाता सोनू यादव की रिपोर्ट। हम लोगों का रोड 1996 से अभी तक 24 वर्ष हो गया, अभी तक रोड का काम नहीं हुआ। जनता इतना परेशान हो गई है, एम्बुलेंस अगर आती है 108 तो बच्चों को डिलीवरी की समस्या होती है, वो घाट पे उठा करके दूर लेके जाया जाता है, तब एम्बुलेंस में बैठाया जाता है, उसके बाद लेके हम लोग प्राथमिक चिकित्सालय पहुँचते हैं। इतना हाल है, बच्चे छोटे छोटे जाते हैं, रोज आया दिन एक्सीडेंट होता रहता है, इतनी परेशानी होती है, इतने गाँव के लोग जद्दोजहद सहते हुए रोड पे आज 24 वर्ष हो गए। करीब 4 सरकारें हमने देख चुकी थी, कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जिसके विषय में हम न जानते हों, जिसका विकास हमने न देखा, लेकिन रोड के लिए कोई विकास नहीं, कोई पार्टी आज तक आया भी नहीं है अपना, कोई पार्टी नहीं आई है, इसलिए कर रहा है इस विकास के लिए कोई पार्टी नहीं आई है। आश्वासन करने के लिए सब आया यहाँ पर, हम लोग ज्ञापन मुख्यमंत्री के अपने जो केंद्रीय मंत्री रहे, क्षेत्रीय मंत्री रहे, सभी लोगों का डीएम क्या, हर लोगों का हमने ज्ञापन दिया, लेकिन इस रोड का कोई मतलब नहीं निकला, अभी तक कुछ भी कार्रवाई वोट के लिए आती है यहाँ पे बात, यहाँ पर वोट यहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता है, कोई नहीं दिखाई देता यहाँ पर, कोई पार्टी हो विद्यालय में हर हफ्ते विद्यालय में मीटिंग करना है। वाराणसी से हमारे संवाददाता सोनू यादव की रिपोर्ट।
2016 जनवरी में चालू रहा था और मेरा विकास का मुद्दा था कि गाँव सभा को साहिबपुर मोहा में जो कार्य अब तक नहीं हुआ मैं उसको करके दिखाऊंगा जी। और 2016 जनवरी में चाहिए तो 2019 जनवरी तक 3 साल में मेरा इतने कार हुए, गांव की जनता खुद कह रही है आपने प्लानिंग बहुत काम किया, ये गांव की जनता कह रही है। कुछ ऐसे रास्ते थे जो 40 साल से बंद पड़े थे, उस रास्ते को खुलवाए और ग्राम सभा में 3 साल के अंदर 35 पीएम आवास और 46 मुख्यमंत्री आवास गरीबों को दिया गया, इसमें सरकार का भी योगदान रहा और लगभग 40 हैंडपम्प मैंने रिबोर कराया। 81 खड़ंजे लगाए गांव में जो विवादित खड़ंजे छूटे हुए थे और लगभग 1500 मीटर गांव में सीवर का कार्य कराए और 4 प्राथमिक पाठशाला है, प्राथमिक पाठशाला में बच्चों को उचित देख रेख में वहां बच्चों की पढ़ाई लिखाई में अहम भूमिका गांव सभा का, बीच बीच में ग्राम प्रधान जाकर के स्कूल पर देख रेख करते हैं, मेरी प्राथमिकता शिक्षा की है। और गांव सभा में जहाँ तमाम जगह जमीन का जो विवाद था बैठ करके गांव के बड़े बुजुर्ग लोगों को लेकर के उस विवाद को शामिल कराया गया और मेरा चुनाव लड़ने से पहले यही वादा था कि जो 10 साल में काम नहीं हुआ है वो मैं 2-3 साल में करके दिखाऊंगा। इसमें भाग मेरी साथ दी और सरकार का भी योगदान रहा, थोड़ा भागदौड़ तो करना पड़ा, उसके साथ साथ हमको काफ़ी सरकार से भी योगदान मिला और गांव सभा की जनता का मैंने काम किया। प्रधान तो मेरी श्रीमती सरिता यादव, उनके मैं पति हूँ और अधिकतर कार्य हम गांव में करते हैं क्योंकि गांव की महिला है तो गांव में कहाँ जाने निकल पाएंगे। कार तो मैं आज आपका 23-24 तारीख हो गया, आज भी 6-7 खड़ंजे पर काम लगा हुआ है, खड़ंजों का काम हो रहा है और काफ़ी जहाँ जहाँ जो स्थान था वहाँ गांव सभा की निधि से मैंने 25 सोलर पैनल भी लगाए जो कि आज भी मंदिरों पर लाइट जल रही है। और 3 साल में मैं क्या कहूँ, जनता कह रही है कि नहीं प्रधानी जो कार्य नहीं हुआ था वो 3 साल में आप करके दिखा दिए हैं, एक गरीब जनता की भी आवाज़ है। 81 मैंने आवास गाँव सभा में दिलवाए, खास करके हमारे जो बनवासी बस्ती के गरीब वर्ग के लोग हैं आज वो पूरे लोग छत के नीचे हो गए हैं, नहीं तो पूरी मड़ी झोपड़ी लगी हुई थी वहाँ पे। उन लोगों की अवस्था लगभग 60 से 70 साल तक वनवासी मरने के कगार पर आ गए थे लेकिन वो लोग छप्पर के नीचे और पेड़ के नीचे रहते, उन लोगों को आवास नहीं मिला था लेकिन मेरे कार्यकाल में 81 आवास बना, लगभग 8-10 परिवार वनवासियों को छोड़ करके सारे वनवास आवास के अंदर हो गए और लगभग 711 शौचालय बने मेरे कार्यकाल में जिसका फोटो अपलोड हो चुका है, अभी 293 शौचालय और बनना है जिस पे काम चल रहा है और अगले वित्तीय वर्ष में सरकार के मंशा के अनुरूप लगभग 1500 मीटर सीसी कार कराना गांव सभा की निधि से, मई के बाद उस पर काम कराया जाएगा सीसी कार, खास तौर से एसी बस्ती में, हरजन बस्ती में और बनवासी बस्ती में और धोबी बस्ती में, ये 3-4 बस्तियों में ऐसे तो सीसी कार कराया जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार फास्ट न्यूज इंडिया पर लगातार जारी रहेगा लेकिन आप बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ और मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।